मौसम खबर के सह प्रायोजक थे रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। दादाजी मुझे कसम है आपकी, जिस तरह से आपके नेक मकसद के रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर दी गई और आप वो नहीं कर पाए जो आप करना चाहते थे, मैं वो अब सब करूंगी। मैं इस गांव को खुशहाल और स्वास्थ्य से भरपूर बनाऊं, और जब तक मुझे इस मकसद में कामयाबी नहीं मिल जाती, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मिल गई मंजिल मुझे, देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। वेलकम टू 100 करोड़ का कवे, जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफे और कलम दबा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। मुझको उजलत कोई नहीं है पर। जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है? आपके लिए किसी ने शेर कहा है, कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, उस पे ये कमाल है कि अपनी पे फिदा है। जो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। बांस की बंसी खोखली सी है, क्यों प्रिय तुमको यह सहचरी है। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरे हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 डीडी किसान पर। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, जो महाराष्ट्र के डिंडोरी से लोकसभा सांसद है। मैं से मैं आती हूँ, तो मेरी एक ट्राइबल कंस्टिट्यूएंसी है डिंडोरी, और वहाँ के चैलेंजेस बहुत सारे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने जिला परिषद में काम करते हुए खुद देखा है कि कितने प्रॉब्लम्स है महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में, है माल न्यूट्रिशन है, पानी पीने का सुरक्षित पानी मिलना हो, तो ये सारी बातें हेल्थ कमेटी में हो या फिर स्टैंडिंग कमेटी में मैंने काम किया जो 7 साल, तो मुझे लगा कि और भी काम बढ़ाना चाहिए। देखे हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानी, सिर्फ डीडी किसान पर। बदलते भारत की शान। आनंदी को घर से निकालने का रास्ता बना, तभी दिन सुधरेंगे तेरे। 100 बात की एक बात समझ ले, आनंदी तेरे लिए अशुभ है। दीदी हम तो सोचे थे जमीन को गिरवी रख के लाला फूलचंद का कर्जा चुका देंगे और धीरे धीरे हम सब काम करके वो जमीन छुड़ा लेंगे, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही पड़ गया। अगर तूने व्यवस्था नहीं करी तो हम तुझे खदेड़ कर तेरे ही घर से तुझे बाहर निकाल देंगे और तेरा घर लाला को दे देंगे।
बस यही देखना बाकी रह गया था हमारे भाग्य में। चार दिन के ब्याह में एक पल की भी खुशी देता तो हम समझते, हमारा तो भाग्य ही फूट गया। दीदी आनंदी रो मत, इसे होश में लाने का उपाय सोच आनंदी। उठो ना जी। अरे लाओ दीदी, कुछ कुछ लाओ दीदी, बाल्टी हमको दो, इसका नशा हम उतारते हैं। देखो कार्ड आया, कहे ना कि हमारे मौसी के पोते का ब्याह है। वो ना हमको बहुत मानती हैं। जब तक वो जिंदा रहेंगी ना तो अपने घर के सारे शादी ब्याह में ना हमको जरूर बुलाएंगी। अरे तुम्हारा कहा जाता है, जेब तो हमारी ढीली होती है ना, और फिर इतने दूर दूर का कौन रिश्ता निभाता है जो तुम निभा रही हो। अरे तुम हमें ना यूं गुस्सा मत दिलाओ, कहे कि अगर हम शुरू हो गए ना तो कंट्रोल में नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा, अब कंट्रोल मत खो। देखो अब मजाक कर रहे तो तुम बुरा मान गई। अच्छा चलो हम तुमको एक ऐसी बात बताते हैं कि जिससे तुम्हारा भी मन खुश हो जाएगा। अरे का तुम्हारे भी मौसी का ब्याह है क्या? इसीलिए हम तुमसे बातें नहीं करते हैं। हमारी मौसी का उम्र है का ब्याह करेगा? हमारा उम्र 60 साल के होने वाली है और हमारी मौसी 75 साल की उम्र में ब्याह करेगी का? दिमाग तुम्हारा कढ़ाई में पक गया है का? कि हम तो मजाक कर रहे थे, काहे को लबलबा रही हो गुस्से में? अब का बात है खुश करने वाली? हम जब तुम्हारी मौसी के पोते के ब्याह में चलेंगे ना तो हम लोग आनंदी से भी मिलने चलेंगे। कहे ना कि तुम्हारी मौसी का गांव जो है आनंदी का घर जो है 3 किलोमीटर है बस। ऐसा सोच के तो तुम बहुत अच्छा केक कचौरी पसा, आनंदी भी खुश हो जाएगी हम दोनों को देख के। का है ना कि बिना माँ बाप की बच्ची है। अरे हम है ना उसके माँ बाप और मामा मामी भी। और रबड़ी तुमने तो उसको हमेशा अपने बेटी के जैसे पाला है, आ गया ना आँख में पानी? अच्छा चलो हम अभी जो है उसको फोन लगा के तुमसे बात कराते हैं और लगे हाथ ये भी बता देते हैं कि हम लोग उसके ससुराल आ रहे हैं। बताकर जाने का क्या मतलब है? हम लोग चुपके से चलेंगे तभी तो पता चलेगा आनंदी कैसे रह रही है, और मिस्री बुढ़िया उसे कोने तरह का दुग्धर तो नहीं दे रही है। अरे वार बुढ़ी, तुम तो बहुत होशियार हो, जरा साथ बैठ करके जल्दी से खरीदारी का लिस्ट बना लो कि का का लेके चलना है आनंदी के घर। कहे ना कि हम लोग पहली बार जा रहे हैं ब्याह के बाद उसके घर, तो कोई कसर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो सब कहेंगे कि बिन माँ बाप की बेटी है तो मामा ने पूछा ही नहीं। घर छोड़ के चले कोनो फिकर नहीं, दूसरे के भरोसे घर छोड़ के चले गए, अम्मा यहाँ बैठी है और कुछ चिंता नहीं। आराम से लेके चलो, गिर जाएंगे हम। अरे आराम से बैठाओ। कहाँ हुआ इसे? अरे अरे कुछ बोलोगे? कहाँ हुआ इसे? कुछ नहीं हुआ है, सड़क पर ताड़ी पीकर पड़ा हुआ था। कहाँ कर दिए तू? मर जाएगा वो, मर जाता तो कम से कम एक बार का दुख होता, यहाँ तो रोज रोज का नया नया दुख है। करता धरता कुछ है नहीं, हर रोज ताड़ी पीके कभी नाले में कभी सड़क पे पड़ा हुआ मिलता है ये। तो जान ही निकल गई। देखो देखो कैसे हंस रहा है ये बेसरम। अरे काहे नाक में घुसो दियो, अरे थोड़ा सा ताड़ी तो पिया, सभी तो पीते हैं। आप तो चुप रहिए, कुछ बोलिए मत, ये सब आपके कारण ही हो रहा है। ये दिखता है कि सब ताड़ी पीते हैं, ये नहीं दिखता सब काम पे भी जाते हैं। काहे नहीं काम पे भेजती है इसे, ये घर घुसना बना के रखा है आपने।
आप ही जिम्मेदार हैं इन सब की, इसकी बर्बादी के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। आप हमसे तो अब बर्दाश्त ही नहीं होता है ये सब। आज ये नंदी बहुत ही गुस्से में, बात कहीं पौधे न बढ़ जाए अभिलाषा के पीने के कारण। हमको ही कुछ करना होगा जिससे कुछ गड़बड़ नहीं हो। अरे तो तुम खुद ही जाके बाहर काम काहे नहीं कर लेती, हमको काहे बोल रही हो? इस घर की हालत देख के हम समझ गए हैं आप लोगों से कुछ नहीं होगा, सब हमको ही करना होगा, हमको ही घर से बाहर निकल के काम करना पड़ेगा। मर्द के नाम पे धब्बा हो धब्बा तुम। ए? तो तू कुछ काम करता तो कुछ बोल पाती तुमको का? जाने कौन घड़ी में पैदा हुआ है, इतना पढ़ा लिखा समझदार बहुत ढूंढ के लाए हैं तुम्हारे लिए, अरे पूरा गांव जल भुन गया है देख के, और तुम्हें ये औरत का कदर ही नहीं। कहा करेगा जिंदगी में तू? हाँ सोच, निकल अभी घर से, निकल यहाँ से, दफा। अरे माई क्या कर रही हो तुम? हम तो तुम्हारा सबसे प्यारा बेटा है ना, हम वो घर से बाहर निकल रही हो। तुम्हारा अच्छा बिठवा है तुहार कान, तुहार बीबी हमें इतना सुनाई, कहा करेंगे ऐसे अच्छे बेटे का जो ना खुद खा सकता ना हमें खिला सकता है। अरे कहा करेंगे ऐसे अच्छे बेटे का जो ताड़ी पी के उल्टा सीधा सड़क पे पड़ा रहता है और हमारा इज्जत का फजीहत कराता है। चल भाग ऐसे, और दोबारा घर के अंदर पैर रखा ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, तो नहीं तो हम भी मिश्री देवी ने निकल यहां से। अरे माई का है इतना गुस्सा कर रही है, ठीक हो जाएंगे। एक गलती समझ के माफ कर दो, वो धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, हम समझाएंगे उसको, सुबह होश में आएगा तो बस एक बार माफ कर दो, आप अपना गुस्सा थूक दो। माई हरको को यह कहाँ ले आई? हमने तो कहा है हम स्कूल नहीं जाएंगे। अरे काहे नहीं जाओगे भाई, क्या हुआ काम नहीं किए हो? कोई बात नहीं हम कर देंगे, पर स्कूल जाना जरूरी है। एक दिन का तो चलो ठीक है, अब रोज रोज तुम हमारा काम करोगे क्या? ये बात भी तुम्हारी ठीक है, हम तो अपनी छोटी भौजी से पढ़ लेते हैं, वो ही हमें पढ़ाती हैं और वो ही हमारा सारा काम भी करा देती हैं। तो तुम भी काहे नहीं हमारी भौजी से पढ़ लेते, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। अरे हाँ माई, आप इनकी भौजी से आज ही जाकर बात कीजिएगा, वो इनके साथ हमें भी पढ़ा देंगी। हाँ चाची, हमारी भौजी बहुत अच्छी हैं, वो नंदू को भी मेरे साथ बैठकर पढ़ा देंगी। चलो ठीक है, आज ही तुम्हारी छोटी भौजी से मिलकर ना नंदू की पढ़ाई के लिए बात करते हैं। लेकिन चलो नंदू, अब फटाफट से तुम दोनों मिलकर स्कूल जाओ। Thank you.
तो बहुत ही मजबूत बना रहे हैं। हाँ, जमींदार बाबू को चाहिए थी, खेतों पर जरूरत है। बोले हैं 5 किलो अनाज देंगे इसके बदले। एक बात बोले, गुस्सा तो नहीं होंगे ना? हाँ बोलो ना। जमींदार बाबू को बोलते कि इस अनाज के बदले में हमको कुछ पैसा दे देते तो अच्छा होता। काहे? काहे ना कि बैद जी के पास जाना है, उमां जी जिद करके बैठी हुई है कि किसी वैद्य को जाकर के दिखवाने के लिए। हो सकता है कि वैद्य जी का दवा खा करके हमारे पेट में बच्चा ठहर जाए, अच्छा है ना? लेकिन? लेकिन का? अगर दवाई खा के हमारे पेट में बच्चा नहीं ठहरा, कुछ पैसे ही बर्बाद होगा ना, और माँ जी का भी तो मुंह बंद हो जाएगा, और हमरो मन को भी कोनो पश्चाताप नहीं रहेगा कि समय रहते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाए। हाँ ठीक है, बोलते हैं जमींदार बाबू से पैसे देने के लिए। हमारी चोट गहरी नहीं है, गहरी चोट तो उनके दिल पे लगी है, जो इतनी उम्मीद लेके हमारे पास आई थी कि उनके बेटे को पढ़ाने के लिए। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। काकी राम राम। अरे राम 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 राम, कैसे हो आज इधर कैसे? काकी एक तो प्रार्थना करने आए हैं आपसे। अरे पहले ही ना बुझाओ, सीधे सीधे बोलो क्या बात है। तो काकी सीधा सीधा बोलते हैं, हम चाहते हैं कि आपकी छोटी बहू आनंदी हमरे नंदू को भी पढ़ाए हल्कू के साथ में। वो कहा है ना काकी, हमारा नंदू पढ़ाई में बहुत तेज है, पर कोनो देखने वाला नहीं है ना, तो पढ़ाई में बहुत पिछड़ गया है। हाँ तो ठीक है, कल से नंदू को भेज दो। अरे हरको के साथ बैठ के पढ़ लेगा। काकी हाँ बोलकर ना आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये बात है ना, हम नंदू को बताकर आते हैं। अरे एक मिनट रुको, कहाँ जा रही हो? अरे आते वक्त 100 रुपए ले दिया ना। 100 रुपए? हम 100 रुपए कहाँ से देंगे काकी? अरे उससे का बात कर रही हो, हमसे बोलो, घर की मालकिन हम है। हाँ काकी आपको तो पता है ना, नंदू के पापा नहीं रहे, घर की सारी जिम्मेदारी हमारा ही सर पे है। तो तभी ना तुमको 100 रुपए बोला, नहीं तो ट्यूशन का फीस 1000 रुपए है। औकात देख के ही बात करे हैं, समझे? माँ जी हम तो घर में खाली ही बैठे रहते हैं। जिस तरह हरखू को पढ़ाते हैं उसी तरह नंदू को भी पढ़ा देंगे हम, और इतने से काम का पैसा लेना अच्छा थोड़ी लगेगा। हाँ तो तुमको कौन कह रहा है पैसा लेने के लिए, और तुमको पैसा दे कौन रहा है? हाँ अरे पैसा हम लेंगे, ये हमारे घर है और हमारी मर्जी चलेगी। और हम बात कर रहे हैं ना, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोनो जरूरत नहीं है। माई हमारी आनंदी भौजी नंदू को जरूर पढ़ाएंगी, आप उन्हें पढ़ाने से मत रोकिए। तुम चुपचाप ना अपना लिखो, पढ़ो ध्यान से, नहीं तो तुमको भी ना घर बाहर कर देंगे, समझे? तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, चलो जाए यहां से, निकलो। अरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना ना तो पैसा लेकर आओ, तो नहीं तो अपना शक्ल दिखाने का कोई जरूरत ना। काकी इतना घमंड अच्छा नहीं है।
आदमी आदमी के काम आता है, एक दिन हम भी आपके काम आ सकते हैं। तब तुम मना कर देना। अब हमारी शक्ल मत देखो, जाओ यहाँ से। अरे आज तुम आई हो, हमारे बच्चे को उड़ा दो, कल पूरा गांव उठ के आ जाएगा। अब जाओ यहाँ से, खड़ी काहे हो, जाओ। अरे माई, तुम आनंदी भाऊजी से बात करी? कहो माई, बोल ना माई। बेटा, आज के बाद से तुमसे खुद से पढ़ा जाए ना, तो पढ़ लेना। जो ना समझ में आए तो मास्टर जी से पूछ लेना। लेकिन आज के बाद हमसे कभी ये मत कहना कि तुमको आनंदी भाऊजी से पढ़ना है। तू रो मत माई, हम तेरे इन आंसुओं से समझ गए हैं। अब हम उस हरकू की भौजी से पढ़कर बिना ही तेरा सपना पूरा करेंगे, तू देख लेना। हम वादा करते हैं, हम खेतों में हल जोतने वाला, फसल काटने वाला और बुआई करने वाला बंधुआ मजदूर कभी नहीं बनेंगे। और अगर किसान भी बनेंगे तो पढ़ लिख कर बड़ा किसान बनेंगे। लोगों के खाने के लिए जमीन से अनाज उगाएंगे। क्यों, हमने सही कहा ना? बहुत सही कहे हो बेटा। हमारे नंदू को भी पढ़ाए हरकू के साथ में। वो कहा है ना काकी, हमारा नंदू पढ़ाई में बहुत तेज है। अरे आते वक्त 100 रुपए ले दिया ना, तुमको 100 रुपए बोला, नहीं तो ट्यूशन का फीस 1000 रुपए है। अच्छा हुआ हमारे पाप की सजा हमको अभी मिल गई। उमा कितने उम्मीद से हमारे पास आई थी, लेकिन हम उसके मदद भी नहीं कर पाए। आनंदी, पी दो। एका, तुम हाथ काट ली? हाँ, ये हाथ कैसे कट गया? ठीक से सब्जी नहीं काट सकती थी का? पता नहीं तुम का का सोचते रहती हो, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। हम दवाई लेकर आते हैं। रुकिए दीदी, हमारी चोट गहरी नहीं है, गहरी चोट तो उनके दिल पे लगी है, जो इतनी उम्मीद लेके हमारे पास आई थी कि उनके बेटे को पढ़ाने के लिए। पर माई ने उनको इतना बुरा भला कहा कि हम का बताएं, इतनी बेइज्जती की और हम उनका कोनो मदद नहीं कर पाए। बस इतने समय से यही सब हमारे दिमाग में घूम रहा है। हम तुम्हारे हाथ का बात नहीं कर रहे हैं, समझी? तुम जो करना चाहती हो ना वो करो। तुम पढ़ाओ नंदू को, लेकिन छिपकर पढ़ाओ। हमारी सास में तो अकल भैंस के बराबर है। बेहतरी इसी में है कि सास को बिना बताए ही नंदू को पढ़ाओ अच्छे से, समझी का? अब ठीक कह रही हैं दीदी, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। माँ जैसी सास, लक्ष्मण जैसे देवर और उर्मिला जैसी जेठानी मिली है, और पति बिल्कुल राम भगवान जैसे प्यार करता है। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तुम तो कहे थे तुम्हारी भौजी पढ़ा देंगी, और तुम्हारी माँ तो पैसा मांग रही है। वो तो हमारी माँ ने कहा ना, आनंदी भौजी थोड़े ही कही, और हम का
करें, हमारी माँ है ही ऐसी। पर तुम चिंता ना करो, हमारी आनंदी भौजी तुमको पढ़ा देंगी। ये बोलने के लिए उन्होंने हमको इधर भेजा। अब झूठा दिलासा मत दो हमें, एक बार फिर दिल और उम्मीद दोनों टूट जाएंगे। इस बार कुछ नहीं टूटने देंगे हम दोस्त। वो कहावत है ना कि कान सीधा पकड़ो या टेढ़ा, पकड़ना तो कान ही है ना। ई बात का क्या मतलब हुआ? ई का मतलब ई कि तुमको जो समझ ना आए वो तुम हमसे पूछ लो, और अगर हमको पता होगा तो अगले दिन हम तुम्हें बता देंगे, और अगर नहीं पता होगा तो आनंदी भौजी से पूछ कर स्कूल में वापस आकर बता देंगे। और एक और बात, जो भी आनंदी भौजी हमको पढ़ाएंगी हम लंच में तुमको समझा देंगे, उनके पास बिना गए ही उनकी निगरानी में पढ़ाई भी कर लोगे। हो गया ना समस्या का सुलझाव? वाह दोस्त, हो तो ऐसा, हर समस्या का हल आसानी से निकाल दे। यस। मामा जी प्रणाम। अरे खुश रहो, कैसे हो? अभिलाष कैसा है? तुम्हारी सास और जेठानी कैसे? सब लोग घर पे ठीक है ना? अरे बोलती काहे नहीं हो, बोलो ना। अरे मामा जी बताती हूँ, सांस तो ले लीजिए थोड़ा। आपने तो एक ही सांस में सारी कहानी पूछ ली, अब हम एक ही सांस में कैसे आपको सारी रामायण सुना दें? अच्छा अच्छा, एक एक करके बताओ। नए घर जाके कैसा लग रहा है? बिल्कुल वैसा ही जैसे सीता मैया को अयोध्या जाकर लगा था। माँ जैसी सास, लक्ष्मण जैसे देवर और उर्मिला जैसी जेठानी मिली है, और पति बिल्कुल राम भगवान जैसा प्यार करता है, और क्या चाहिए। हेलो हेलो हेलो, अपने बेटे अभिलाष को बोलो घर परिवार की जिम्मेदारी उठाए, कुछ काम करे। भीख मांगने की नौबत तो तुम पर आ ही गई है, और साथ में आनंदी को भी कहो कि वो भी घर की जिम्मेदारी उठाए। जी आज ही बोलेंगे। मैंने जो कहा है उसे याद रखना, ठाकुर साहब को पता ना चले कि मैंने तुम्हारी मदद की है। अब जाओ तुम। ये तो नहीं बोलेगी, लेकिन हम जरूर बोलेंगे जमींदार बाबू को। रू